वायु प्रदूषण से एक तरफ हवा जहरीली होती जा रही है तो वहीं सायाहपुर में पराली जलाने पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। यहां पुआया तहसील के कई इलाकों में खुलेआम पराली जलाई जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कर रहा है। दरअसल किसान अपने खेतों को जल्द से जल्द खाली करने के लिए पराली को आग लगा देते हैं, जिससे उठने वाला धुआं आसमान में फैल रहा है। दीपावली के बाद हवा पहले से जहरीली हो चुकी है, जिसके चलते पिछले दो दिनों से धुंध छाई हुई थी, लेकिन इलाके में पराली जलाने से हवा और भी जहरीली होती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने पराली जलाने पर 28 लोगों के खिलाफ FIR और जुर्माने की कार्यवाही की है, लेकिन तमाम कार्रवाई के बाद भी पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह पराली जलाने की बजाय उसको खेतों में ही नष्ट करें, जिसका इस्तेमाल खाद के तौर पर किया जा सकता है। फिलहाल जिला प्रशासन की कार्रवाई और अपील के बाद भी यहां पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं और इसको लेकर काफ़ी जागरूकता फैलाई गई है। किसानों के विभिन्न संगठनों के माध्यम से, अखबार और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पंपलेट्स इत्यादि के माध्यम से भी हम लोगों ने इसको काफ़ी जागरूक किया है और सैटेलाइट सर्वेक्षण से भी हम ये देख लेते हैं कि कहाँ किस इलाके में ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग चालान की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। अभी तक जनपद में 28 लोगों के खिलाफ इस बात को लेकर जुर्माना और FIR इत्यादि दर्ज कराने की कार्रवाई हुई है, तो निरंतर इस बात पे सतर्कता रखी जा रही है। और मैं आप लोगों के माध्यम से किसानों से भी अपील करूंगा कि ये वैल्यूएबल्स है, अगर वो अपना कृषि का अवशिष्ट, फसल अवशिष्ट अपने खेत में मल्चर या अन्य उपकरणों के माध्यम से मिला देंगे तो उनके ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और आने वाले समय में उनको अगली फसल उगाने के लिए कम उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ेगा या उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से जो फ़ायदेमंद चीज़ है उसको भी हम लोग जल्दबाजी के कारण या ज़्यादा श्रम न करना पड़े उसके कारण उसको विनष्ट कर देते हैं, तो ये एक और गैरकानूनी है और इसे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। दूसरी ओर ये आपके खेत के लिए और फसल के लिए भी और ज़मीन के सेहत के लिए भी अच्छी बात नहीं है, तो इसके माध्यम से भी मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि लोग जागरूक हों और इसको विनष्ट ना करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई और कड़ी की जाएगी। थैंक यू सर।